हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड पोकेमोन वाई टू में। तो आप लोगों ने पिछली बार ने अपना नया दोस्त पकड़ा था रियोलू, तो मैंने उसको थोड़ा सा ट्रेंड किया। मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ, मैंने उसको थोड़ा सा ट्रेंड किया हुआ है। अरे खुल जा यार, अगर मेरी आप लोगों को मेरी वॉइस थोड़ी सी अजीब आ रही है तो माफ़ करना, मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया है तो इसलिए मेरी वॉइस थोड़ी सी अजीब आएगी। तो वॉइस को इग्नोर करते हैं, गेम की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अपने दोनों दोस्तों को तो लेवल 10 का कर दिया, हीरो और पिगी लेवल 10 के ही हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं गेम को। ये शाम कहाँ से हो गई, तुम लोगों को इसके आगे जाना है, इसके अंदर से। तो चलते हैं आगे ग्रास से बच के। ये हमको आगे जाने देगा, जाने देगा। ये बैटल करेगी तो बैटल कर लेते हैं इससे, ताकि अपना हीरो थोड़ा और ट्रेंड हो जाए। और गाइस, अगर आप लोगों को एक बात और ना पता हो कि रियोलू इवॉल्व कैसे होता है, तो देखो मैं दो मेथड आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो उसकी फ्रेंडशिप, तुम लोग लड़क के भीड़ बढ़ाओ, या फिर तुम जाओ पोकेमोन मार्ट में डायरेक्ट, और जो वो नहीं आते हैं हिप एच पी 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 और ये सब आते हैं ना, ये सब तुम ऐसा करो खरीद लो 10-10 सब कुछ, और सभी कुछ रियोलू को देते जाओ जो लेता जाओ, 10-10 दे दो, और फिर उसके बाद एक रेयर कैंडी उसको खिला दो, रियोलू अपने आप इवॉल्व हो जाएगा। और एक है उसका इंतज़ार करो लेवल बढ़ने का, तो अपने आप वो इवॉल्व होगा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, जैसे कि पैरालाइज हील हो गया, एचपी हो गया, पीपीएफ हो गया, एचपीएफ हो गया, लेयर कैंडी, ये सब तुम लोग खिला सकते हैं। अभी मैं दिखा दूंगा आगे पोकेमोन मार्ट आएगी सब। हम लोग रियोलू से इसलिए ज़्यादा बैटल कर रहे हैं ताकि जल्दी से इवॉल्व हो जाए, हम लोग उस वाले मेथड से नहीं करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तभी करेंगे, अगर ये 32 के आगे इवॉल्व नहीं हुआ तो, तब तक तो इतने पैसे भी होंगे कि हम लोग कर सकें। और ये गाइस अपना हीरो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तभी तो उसका नाम हीरो रखा है। बॉल थोड़ी छोड़ेंगे, ये देखो मैं बात ही कर रहा था, एक्स अटैक ना हम लोग अपने हीरो को दे देते हैं, और इसके जो आते ना वो टर्न ओवर्स, वो अगर तुम लोगों ने नहीं पता तो वो ज़रूर दे देना अपने रियोलू को, अगर तुम लोगों ने भी पकड़ रखा है तो। एक्स अटैक गिव हीरो, देखो होल्ड करा दिया। अब इतना तो पता ही होगा ना कि होल्ड कैसे कराना है आइटम्स। यहाँ से इससे सड़े हुए पोकेमोन से बच के जाते हैं। ओ यप, हाँ कुछ आवाज़ आई। हे हर्ष, क्या तुमने इस एरिया में कुछ आवाज़ आई, तुमने सुना? हाँ भाई मैंने भी सुना, तो पोकेबॉल पड़ी है, मेरे को पोकेबॉल से मतलब है। पोशन गाइस, यहाँ पे देखो ये लोग खड़े हुए हैं, फिर से एक लिलीफाफ। अपना रियोलू लेवल 10 का है गाइस। गाइस मुझे लगता है जहाँ तक बैटल में 13 लेवल के 14 लेवल के पोकेमोन आएंगे जिम में, तो उससे बात करते हैं। बेचारे पोकेमोन को डरा रहा है, हमारी तो खैर नहीं। ये क्या, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। ये क्या किया इसने, अच्छा इसने टीएम दे दिया, ऐसा फेंक के टीएम मारता है कोई, जैसे टीएम दे दिया खैर भाग गया। हीरो से सभी कोई डर के भाग जाता है। आ गए यू लोग भी, आ गए भाई आदित और आदित का चमचा।
मेरा लिलीफ, मेरा प्यारा लिलीफ खो गया था, तुमको मिल गया, थैंक यू। यादित कहाँ चला गया? ये पागल आदमी जाता रहता है। तो गाइस ये स्टोरी तो हो गई कंप्लीट, अब यहीं से कूद लेंगे। ओ हो, पूरे एरिया में यहाँ पे रियोलू मिलता है गाइस, ये रियोलू स्टैन एरिया है, पर अपने हीरो से अच्छा कुछ नहीं। गाइस मैंने एक सवाल आप लोगों से पूछा था, प्लीज़ मुझे बताओ कमेंट में कि आप लोगों को कि कोई फ्लाइंग टाइप पोकेमोन पता हो जो यूनोवा रीजन में मिलता हो, तो मैं कोई भी सवाल नहीं करूँगा, जो बोलोगे वो पकड़ लूँगा, एक पोकेमोन आप लोगों की तरफ से गाइस। और हाँ, मैं एक और चीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं हर एपिसोड में एक क्वेश्चन पूछूंगा, जो आप लोग अगर उसको सही जवाब देंगे तो मैं अगले वीडियो में आपका नाम और आपके क्वेश्चन अपने स्क्रीन में दिखाऊंगा वीडियो के बीच में। तो मैं इस आज के दिन से भी क्वेश्चन पूछूंगा, तो उसको भी आप लोग देख लेना गाइस। मैं हर एपिसोड में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा करूँगा पोकेमॉन्स के बारे में, ऐसे क्या है ना गाइस, थोड़ा सा बना रहेगा। चलिए जिम लीडर को हराते चल के, ये गाइस बहुत आसानी से अब ये बोलेगा तुमसे दो ट्रेनर से तुम क्या लड़ सकते हो? हाँ लड़ सकता हूँ गाइस, अभी वहाँ पे वो दो आएंगे पैम्फर और मैम्फर लेके। क्या रखे गाइस, उनका पहला पोकेमॉन कौन सा होता है? कोई फायर टाइप होता है और एक वाटर टाइप होगा। योलू आगे रखा हुआ है, कोई बात नहीं गाइस, भिड़ जाते हैं। हमने योलू आगे रखा हुआ ना गाइस, तो बस भिड़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी बहाने योलू थोड़ा सा ट्रेंड हो जाएगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं बैटल से, क्विक अटैक करते हैं क्योंकि इसके ऊपर काउंटर तो मुझे लगता है चलेगा, इसके ऊपर 9 लेवल का है गाइस। अच्छा डैमेज नहीं दिया इसने कुछ ढंग का, ऐसे तो हार जाएंगे। प्लीज़ काउंटर पड़ जा, प्लीज़ मरना नहीं, रियोलू मरना नहीं। ये पड़ गया काउंटर, पड़ गया काउंटर, पड़ गया। पोशन यूज़ करने क्या मर जाएगा? हाँ पोशन यूज़ करते हैं। तो वे यार पोकेमोन ना बदल ले, मैं भी कितना पागल हूँ गाइस, फायर टाइप के अगेंस्ट ग्रास टाइप के अगेंस्ट मेरे पास एक फायर टाइप पोकेमोन रखा है, फिर भी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। सॉरी गाइस दिस इज़ माय मिस्टेक, अपने पिगी के एक ही बार से हम लोग पूरे इसकी टीम को इसी तरह इसी कर सकते हैं। मैं भी ना एक एम्बर से मैं इसकी पूरी टीम को उड़ा सकता हूँ। बेवकूफ़ है, लेक चाटता रहता है हमेशा। देख भाई ये COVID-19 चल रहा है, दूसरों को चाटना बंद कर दे। अरे पिगी इस्तेमाल करो यार, एम्बर इस्तेमाल करो, करता ही रहूँगा एम्बर, स्क्रैच मारेगा ये, अब पिगी एम्बर मारेगा और ये मर जाएगा। ये गाइस ख़त्म, 0 लेवल 11, हीरो कोई मूव सीख रहा है गाइस, देखते हैं कौन सा सीख रहा है। फेंट सीख रहा है, फेंट अटैक, कोई अटैक नहीं है, मुझे लगा ही था हीरो कोई 11 लेवल पे मूव सीखता तो है। हार गया, वाह इसका वाटर टाइप आएगा, हील कर दिया, अगर हील किया होगा ना तब की बार तो इसकी खैर नहीं। एक पोकेमॉन लेके चले जाते हैं लड़ने बेवकूफ़ों तरीके से, जाओ हीरो लगा, मैं इस्तेमाल करूँगा फेंट अटैक से, ऐसे अच्छा डैमेज पड़ता है भाई, क्विक अटैक से भी ज़्यादा अच्छा डैमेज पड़ता है, ऐसे तो मैं फेंट अटैक ही ना इस्तेमाल करता रहा हूँ, ऐसे क्या होता है टारगेट पे लगेगा ये अटैक जाके, वो तुरंत ही 2-3 अटैक में ढेर। ये गाली अपनी आँखें चमकाएगा और मैं आपको चमकाऊँगा, मार मार के इसका मुँह चमका दूँगा, फिर से फटाक। अब ये गया गाइस, अब बाद में पिगरी को आगे कर लेते हैं क्योंकि ना मुझे लेवल बढ़ानी है। मानता हूँ ये सारा असल बेवकूफ़ी है कि मैं फायर टाइप के खिलाफ एक वाटर टाइप ला के खिलाफ एक फायर टाइप ला रहा हूँ, दैट इज़ माई प्रॉब्लम। पर क्या करूँ ना, देखो कितनी कम हेल्थ बची हुई है, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ये, एक टैकल में इसको सत्यानाश कर दूंगा। अरे यार पैरालाइज हो जाएगा क्या, ऐसा करते हैं इसको वापस कर लेते, बस एक बार उसको निकालना ही तो था। बस अब दोनों को एक्सपीरियंस मिलेगा ना, जाएगा जब तक एक्सपीरियंस नहीं मिलता तब तक तो ऐसा करना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चाटेगा पागल,
ऐसा करते हैं इसको फेंट अटैक, ठीक अटैक मार देते हैं फेंट, बचा कर ये खत्म। बहुत सही, बहुत अच्छा ट्रेंड किया है गाइस। जब कोई पोकेमॉन एक लेवल से बच जाए ना, ये मानो कि ट्रेंड में कोई दिक्कत नहीं है ट्रेनिंग में। 71 लेवल का पिगी, 11 का हो गया गाइस। बहुत सही, बहुत सही। देखा गाइस दोनों को एक्सपीरियंस मिला इसी तरह गाइस, मैंने टैंक किया था दोनों। हाँ, तुम्हारे पास बहुत सारे प्रकार के मूव्स होने चाहिए, बहुत ज़्यादा पावर पावरफुल मूव्स। अब क्या दोगे? कहना क्या चाहता है? ट्रैवलिंग करो, हील है पोकेमॉन जो आगे बैटल करने आ जाए। हाँ, हील है। पिगी को आगे कर लेते हैं गाइस थोड़ी देर के लिए, क्योंकि गाइस हीरो से लड़ते लड़ते ना तो हीरो का 11 का पहुंचा दिया। पिगी को कर लेते हैं स्विच टू हीरो। ओ, ये यहाँ पर एक गोल्डन कॉइन प्रतियोगिता चल रही है, क्या तुम उसमें पार्टिसिपेट लोगे? तुम ये लो मैचल बॉक्स, ये टीएम केस है, इसमें तुम बहुत सारे टीएम रख सकते हो। क्या दे दिया इसने? हाँ, ये लो एक गोल्ड, एक फर्स्ट स्टेप मॉडल, इसे अपने पास रखो। ये क्या हैंड मेटल? ये लो। हाँ, थैंक यू थैंक यू। अभी चला गया आखिरकार गाइस, पीछे से ये आ गया एल्डर। हे एल्डर ऐश, ऐश बोल रहा हूँ। ये पोकेमॉन जिम, ये क्या एस्पर्टिया जिम? हाँ जो भी हो जिम, उसमें जाओ, मैं तो जा रहा हूँ गाइस। गया, हम लोग भी जाते, देखते हो तुम दिया तो दिया क्या हम लोगों को। ये टीएम क्या करता है? द फुल पावर अटैक इज ग्रो मोर पावर एंड लेस देन लाइक अ ट्रेनर। पावर जीरो है, इनकी अटैक ही नहीं है, एक्यूरेसी 100 है। सिखाएंगे किसी को क्या करना है ऐसे फालतू अटैक सिखा के? ऐसा करते हैं गाइस, चलते हैं पोकेमॉन मार्ट में। बताइए आप क्या क्या देंगे? उसके बाद में दो ही चीज़ें रहती हैं शायद इस टाउन में, पोकेमॉन सेंटर में। देखो यहाँ पे जो बोला है ना, हेलो बाय द आइटम, ये पे मेल्स यहाँ पे दे रहा है ना, इसी जगह देता है वो सारी चीज़ें। तो चलते हैं, मेरे पास बहुत सारे पहले से ही पोशंस हैं। ये कौन सी सिटी है? वो बोला था जाओ जिम में, जाओ और जिम में बैटल करो, ऐसा तो नहीं लोगों को अपना होम टाउन चलना हो। चलिए होम टाउन में पहुंच जाएंगे। अरे हाँ, अभी तो एल्डर मिलेगा यहाँ पर भी। हेलो एल्डर, इतने ऊंचे कूद जाता है एल्डर। हे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ ठीक है, बैरी दे दिया, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे बैरी ये HP रिस्टोर करती है, बैटल के दौरान तुमको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा इसको इस्तेमाल करके, तुम्हारे पोकेमॉन गेम में HP वापस से फुल हो जाएगी। जाओ और जिम लीडर को हरा दो, जिम वहाँ का जिम लीडर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, तुम उससे ज़रूर जीत जाओगे। वो अपनी कोशिश करना, वो उसे ज़रूर जीतोगे और ताकतवर बनो, जिम लीडर को हरा देना। हाँ भाई, जा रहे हैं। चला गया वो गाइस, उसने हम लोगों को बधाइयाँ दे दी। कोई बात नहीं गाइस, ग्रास पैचेस से बच बच के भागना पड़ता है हम लोगों को। कहाँ आ गया पोकेमॉन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाय द वे गाइस, ये नॉर्मल टाइप जिम है, इन लोगों से बात कर लें क्या, कुछ देंगे क्या ये? देखा, एक्स डिफेंस दे दिया,
भी गाइस सब लोगों से बात करना, अगर छोड़ दोगे आइटम तुम कुछ दोगे क्या? कोई टीएम ही हो एक बार गाइस ना, मैं वो कोई गेम खेला था, नाम नहीं याद आ रहा, कोई रोम हैक्ड वर्जन था, उसमें मैं एक बंदे से बात किया तो उसने मुझे, तुम मानोगे नहीं, उसने मुझे 5 टीएम दिए, फ्लेम थ्रोवर, ड्रैगन रेस, फ्लेम चार्ज और ऐसे थंडर बोल्ट और ऐसे और 5 टीएम। और गाइस उस वक्त ना मुझे ग्रास टाइप जे बनानी थी, तो चलिए ये आपको ना हर बैटल में फ्रेश वाटर जरूर देगा, ये लो फ्रेश वाटर। हाँ थैंक यू। ऐसे क्या होगा ना कि तुम्हारे पूरा पोकेमोन के एचपी पीपी सब कुछ रिफ्रेश हो जाएगी, इसे बैरी से होती है। दो पोकेमोन हराने चैलेंजर हूँ मैं। गाइस तुम लोगों ने आगे क्या रखा हुआ, पी या कुछ और? मजा आएगी गाइस हराने में इसको, 11-11 लेवल के तो है ही हैं। देखते हैं पहला पोकेमोन का ट्रेनर किस पे आता है। ठीक है बैटल बिगिन। हाँ 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 बोला तो नॉर्मल टाइप जिम है, इसके ऊपर एम्बर मारेंगे तो क्या होगा, ये बर्न हो जाएगा। ये आँखें चमकाएगा मेरे को, गुस्सा आएगी। गाइस से बहुत अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, 100 के ऊपर ही मिलता है इससे, 150 170 इसे एक्सपीरियंस मिलता है गाइस। तो पोकेमोन को फ्रेंड मत होने देना है, एक पोकेमोन से एक बैटल ओनली। अब देखना एक्सपीरियंस, ये देखो 115 एक्सपीरियंस। मैं कर कह रहा हूँ कि इससे से पिगी को लड़वाऊंगा, फिर उससे लड़वा दूंगा उसको हीरो को, इतना तो ताकतवर है ये पिगी के इससे लड़ पाए, जल के राख हो जाएगा ये पिगी मेरा। इतना ताकतवर अपने आप से अटैक इस्तेमाल करने लगा, ये हिला कैसा है? मैं बार बार एम्बर इस्तेमाल किए जा रहा हूँ उसके ऊपर। ये लो गाइस इससे लेवल 12 का हो जाएगा, अभी कोई अटैक सीखेगा शायद, नहीं सीखता है, मैं जब तक बोल देता कि हाँ अटैक सीखना है कुछ ऐसे करके। पोशन यूज कर लेते हैं गाइस अपने इसके ऊपर, बैग में मेरे पास बहुत सारे पोशन पड़े होंगे, पोशन यस यूज, हमको अपने पिगी के ऊपर पोशन यूज करने हैं। बस थैंक यू, मैं अपने आप से गाइस थैंक यू बोल रहा हूँ। अब कर लेते हैं हीरो को स्विच, बिकॉज हीरो अभी 11 का ही है ना, तो अब इसको स्विच कर लेते हैं, दूसरे नॉर्मल टाइप बैटल आएगी। हीरो फाइटिंग एंड स्टील टाइप है ना, तो दिक्कत नहीं होगी ना इसको अभी। शायद जो हीरो का इवॉल्व वर्जन लुकारी होता है फाइटिंग एंड स्टील टाइप। तो गाइस फटाफट हराते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके ऊपर कोई अटैक ट्राई करते हैं, इसको फास्ट फॉरवर्ड में कर देते हैं। हाँ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, 23 मिनट के लिए ऑब्वियसली वीडियो हो चुकी है पहले से ही, लेवल 12 का हो गया है। कोई जरूरत नहीं है, ओह इसके ऊपर कोई काम ही नहीं करेगा, इसके ऊपर कोई अटैक मारते हैं। हीरो कोई अटैक, ये गाइस पेट्रेट डेयर। सो गाइस हरा दिया फाइनली इसको,
अभी आगे की प्लानिंग कर लेते हैं गाइस। जिम लीडर को हराना है, बैग में जाके जितने भी सारी चीज़ें ना सब दे देते हैं किसी न किसी को। ये डिफेंस दे देते हैं हम लोग, नहीं चाहिए। सो गाइस हराते हैं इस बार। एक मिनट, नहीं मैंने पहले वो पहले योलू को रखा हुआ है ना, पहले योलू होगा। हाँ अब ये मत पूछना गाइस कि लेवल 13 का कैसे हो गया। अब इतना तो मत पूछना यार प्लीज़, ऐसा ही बता रहा हूँ, मेरे साथ बहुत बुरा हादसा हुआ यार। मैं 2 दिन के बाद ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने पहला वीडियो बनाया और मैं सेव करना ही भूल गया। गाइस ये तुम लोगों के साथ कभी हुआ है? तुम लोग वीडियो बना रहे हो और सेव करना ही भूल गए हो। गाइस जी मेरे साथ हुआ, मैं वीडियो बना रहा था मैं सेव करना ही भूल गया। लेवल 13 के तो दोबारा ना मैंने फिर ऑफलाइन ट्रेनिंग की और मैं आज इतना बड़ा अच्छा ताकतवर पोकेमोन लीडर बन गया। ये लिप बेकार है, मेरे को टैकल मारेगा मैं इसको क्विक अटैक मारूंगा। ये पोशन इस्तेमाल करेगा तो क्विक अटैक तब भी लगेगा। अब वक्त है अपने दूसरे पोकेमोन को इस्तेमाल करने का, पिगी। अब ये भी मत पूछना कि पिगी अचानक से 12 से 14 लेवल का कैसे हो गया। गाइस एक ही टैकल में जाएगा सुअर। ये गया, अरे यार बच गया यार, पोषण इस्तेमाल करते हैं। अरे यार चला गया, मर गया यार, गलती कर दी मैंने। कोई बैठा है प्लीज। गया, जीत गए गाइस, जीत गए, लेवल 14 के हो गए दोनों। हाँ बहुत अच्छी बैटल हुई, तुमने मुझे हरा दिया, थैंक यू। मिल गया बैच, ये मेरा टीएम केस, बैच केस, और इसमें मेरा चला गया। अभी मुझे कोई टीएम देगा? हाँ तो अपने पोकेमोन 20 लेवल का कर दो। ये लो टीएम वॉकअप, मैं इसको इस्तेमाल ही नहीं करूँगा। भला टीएम वॉकअप कौन इस्तेमाल करता है? भला मैं इसको क्यों इस्तेमाल करूँ टीएम वॉकअप को? ये लो तुम अपने सारे पोकेमोन, जिम बैच, अपने जिम बैच केस में ही रखना। अपने तो अपने जर्नी स्टार्ट करो अपने दोस्तों के साथ। दोस्त कहाँ हैं? सो गाइस हरा दिए, अब ये आगे मिलेगी कुछ देगी तो है ना, रिटर्न दे दिया इसने, इसका मैं क्या करूँ? पर ढंग का टीम ये लोग देते आए नहीं है। ओ वॉकअप, तुम टुरमू, ये लो प्रोफेसर जूनिवर रिंगटून। ओ गाइस मैंने फास्ट फॉरवर्ड तो नहीं कर रखा है? हाँ कर रखा था। हे हर्ष, आई एम प्रोफेसर जूनिवर, होल्ड अडॉप्टेड टू पोकेडेक्स, अपनी पोकेडेक्स देखो। थैंक यू सो मच, आई नो पोकेमोन एट सी एज गेट अलोंग विथ इवन अ बेटर। मैंने तुम्हारे पोकेडेक्स को अपग्रेड कर दिया है। ही सो मैनी मैनी पोकेमोन सो कुड नॉट मूव द 2 years ago, 2 साल से और नए पोकेमोन आ गए हैं। Has been a long time. I am good. You are doing too so well. Gym leader, एक है पोसिटिवन सो ट्यूड। तो बैटलिंग केम डाउन द वायर एंड वेल मेक एंड योर
जिम लीडर टू डिपेंड अपॉन बिटवीन योर चैलेंज। अपना चैलेंज लेते रहना एट द पोकेमोन राइट। सो पोकेमोन द हर्थ एज अ न्यू ट्रेनर अलोंग द पोकेमोन बाय मैनी आउट साइड्स बेटवीना। अब गाइस इन लोगों की बातें चल रही हैं। अब मैं इतना सब इसको इतनी जल्दी जल्दी कैसे बनाऊँ, मैं इसको थोड़े दिन पढ़ता हूँ। ख़त्म हो गई बातें। तुम्हारा पोकेमोन इवॉल्व हो जाएगा, कहाँ तक ही नहीं। वो बहुत सारे प्रकार के पोकेमोन हैं, अच्छा मुझे पता ही नहीं था। ए जिम लीडर, तुमने जिम लीडर से बैटल की, तुमने उसको हरा भी दिया। ओ वी कैन पर डिपेंड। मैंने उसको हरा दिया, उसका हक्का पक्का रह गया मुंह। सो गाइस ये क्या दिख दिया सीजर of the place the airplane. गैस ये क्या बन के आने लगा लाइट लाइट। हमको वेर बैंक सिटी जाना है, वेरी बैंक सिटी। गैस मैं हर सिटी का नाम गलत ही क्यों लेता हूँ। तो आप देखते हैं गाइस पोकेडेक्स जरूर चेक करेंगे, उसमें क्या नया है, कितनी बारें करेंगी ये। द आइकन बॉटम राइट, फास्ट फॉरवर्ड कर दूं क्या। सो गाइस दिया गाइस दिस इज एंड फॉर दिस एपिसोड। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। तो मज़ा आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।